हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में. मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स. और ऐसे मेरे कई मित्र होंगे जो गार्डनिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि हम भी एक छोटा सा टेरिस गार्डन बनाएं, और चाहे वो बालकनी गार्डन हो या फिर वो टेरिस गार्डन हो. गार्डनिंग करना आजकल जो है सभी को ही पसंद है और गार्डनिंग करना भी चाहते हैं. लेकिन गार्डनिंग की शुरुआत के लिए फ्रेंड्स, ऐसे कौन से आप पौधे का चयन करें, यानी ऐसे कौन से पौधे लें जिनकी देखभाल आपको बिल्कुल भी ना करनी पड़े. वो इतने जिद्दी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स कि वो बस चाहते हैं कि हम तो ग्रो होके ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे इनके गार्डन से. तो ऐसे ही मैं आज आपसे प्लांट शेयर करूंगी फ्रेंड्स. अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन प्लांट्स को आप जरूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं, और वो कहीं आपके गार्डन से नहीं जाएंगे, सालों साल आपके साथ यूं ही बने रहेंगे. तो क्यों ना जो है ये नवरात्रे हैं और इनमें जो है हम कुछ पौधों की शुरुआत करें, यानी एक छोटा सा गार्डन जो है बना लिया जाए. दिवाली भी आ रही है तो दिवाली में तो जो है फ्रेंड्स प्लांट्स भी अगर इनमें कलर वगैरह कर दिया जाए और वो तो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं ये पौधे, ये गमले. और मुझे बेहद अच्छा लगता है इनमें जब मैं हरियाली देखती हूँ, फूल देखती हूँ, फल देखती हूँ, तो अत्यंत खुशी भी मुझे मिलती है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. और अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो दोस्तों, अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला पौधा मैं आपसे जो शेयर करूंगी वो है ये पर्पल हार्ट. ये एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स की कटिंग से एक तो बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप इसे आसानी से ले सकते हैं, यानी ये आसानी से जो है नर्सरी में उपलब्ध भी होता है और ये आसानी से कटिंग से लग भी जाता है. अगर आपके मित्रों के पास या किसी कहीं से भी आपको ये छोटी सी कटिंग भी मिल जाए इसकी, तो ये पौधा आप निसंकोच होकर लेकर आइए और अपने गार्डन में लगा लीजिए, और ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा दोस्तों. ये एक ऐसा पौधा है कटिंग से आप इससे ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं, और इनका जो ये कलर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और इनमें छोटे छोटे जो है पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं. तो ये देखिए, ये मेरे पास ढेरों कटिंग है इसकी, इस तरीके से मैं ग्रो करती रहती हूँ और इस तरीके से इनके ढेरों प्लांट मैं बनाती रहती हूँ. और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आप इसे किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं. आप इन्हें छोटी छोटी बॉटलों में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इन्हें बड़े बड़े पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं. इनका कलर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, तो ये पौधा आप ले सकते हैं. अगला पौधा फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये जेट प्लांट. जेट प्लांट एक लकी प्लांट है और धनवृद्धि पौधा भी इसे माना जाता है. तो फ्रेंड्स, ये पौधा भी एक बहुत ही जिद्दी और बहुत ही अड़ियल पौधा है. अगर आप इसे लगा लेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता ये आपके गार्डन से कभी जाने वाला है, और ये आपके गार्डन की खूबसूरती को सदा ही बढ़ाने वाला पौधा है. यानी इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी और इतना खूबसूरत दिखाई देता है दोस्तों कि ये देखिए, इनके जो लीव्स होते हैं ये बेहद ही खूबसूरत होते हैं. आप इनको जो है छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इनको ओवर वाटरिंग आपको इस प्लांट को नहीं करनी है. और दोस्तों, आप इसे किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं. 8 इंच का पॉट हो, 10 इंच का पॉट हो, 6 इंच का पॉट हो, या फिर नन्नी नन्नी छोटी छोटी बोतलें हो, आप उनमें भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. मेरे पास जो है जेट की बहुत सारी कलेक्शन है. अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये मेरा जेट प्लांट है, और मैं सिर्फ जब लेके आई थी तो इस प्लांट को मैं 2 ही प्लांट इसके लेके आई थी, और 2 प्लांट से इसके मैंने ढेरों प्लांट जो है तैयार कर लिए हैं. मैं इनको छोटी छोटी बोतलों में भी ग्रो करती रहती हूँ, बड़े बड़े पॉट में भी लगाती रहती हूँ. तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो है सारे ही प्लांट मेरे ग्रो कर रहे हैं. और मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने छोटी छोटी 2 लीटर की बोतलों में भी इनको ग्रो किया हुआ है, ये देखिए, जो कि बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए. तो इस तरीके से आप जेट प्लांट भी लगा सकते हैं. अगला पौधा प्लांट मैं शेयर करूंगी फ्रेंड्स आपसे कि रियू का प्लांट. ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, और इनकी छोटी छोटी कटिंग भी आराम से लग जाती है, और ये आसानी से आपको नर्सरी में मिल भी जाते हैं. इनका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा लगता है. आप देख रहे हैं ऊपर ग्रीन कलर होता है और नीचे जो है पर्पल कलर होता है. इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है. ये अगर आपके गार्डन में एक बार आ जाएंगे दोस्तों तो दोबारा आपको कभी शायद खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं. इनकी कीमत जो होती है 10 से 20 रुपये, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये में ये मिल जाते हैं. 30 रुपये भी नहीं, 10 से 20 रुपये में ये पौधे आराम से आपको मिल जाते हैं. तो ये पौधा आप जरूर लेकर आएँ. आप इसे किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं. मैंने देखिए एक छोटी सी प्लांटर वाली बॉटल बनाई हुई है, और प्लांटर वाली बॉटल में मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है. तो ये पौधा आप खा सकते हैं. अगला पौधा फ्रेंड्स ये देखिए, ये यूफोर्मिलिया का प्लांट है, और ये भी बहुत ही आसानी से जो है कटिंग से मिल भी जाता है, लग जाता है, और आसानी से आपको नर्सरी में उपलब्ध भी हो जाता है. अगर आप इसे अपने गार्डन में लगा लेंगे तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा. ये आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने वाला पौधा है. इनके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं. कटिंग से आप इससे ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं. ये मेरा कटिंग का ही पौधा है, और आप देखिए इसी नन्नी सी बॉटल में मैंने इसको लगाया हुआ है, और जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पौधा मेरा चल रहा है. तो ये प्लांट भी आप ले सकते हैं. और ये देखिए मैंने छोटी सी एक और बॉटल में भी लगाया हुआ है, ये भी मैंने कटिंग ही लगाई है दोस्तों. तो कटिंग से ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से लग जाता है. तो ये पौधा भी आप ले सकते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये रियू का प्लांट है, जो कि ये बड़ी वाली वैरायटी है. ये देखिए, ये भी मैं कहीं से कटिंग से ही लेकर आई थी, और देखिए कटिंग से लगाया हुआ प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है दोस्तों. ये देखिए नीचे से इसके जो है छोटे छोटे और भी बेबी प्लांट बन रहे हैं. अगर मैं इनको यहाँ से कट करूंगी तो इनको मैं न्यू गमले में लगा लूंगी, तो मेरा एक नया पौधा और भी तैयार हो जाएगा. तो ये फ्रेंड्स, ये पौधा आप बिल्कुल ना छोड़ें, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारे इनके लीव्स होते हैं. तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा है. अगला पौधा फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करूंगी, ये देखिए, ये इतना खूबसूरत पौधा है फ्रेंड्स. ये आप देख रहे हैं, ये गोल्डन हेज का प्लांट है. मैं अक्सर अपनी वीडियो में
आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये पौधा फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत है और कटिंग से बहुत ही ईजिली ये पौधा लग जाता है। इनमें जो है छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर आती हैं, सबसे खूबसूरत होती हैं इनकी लीव्स। देखिए कितनी खूबसूरत है इनके लीव्स, और ये कटिंग का ही तैयार पौधा है। इसमें आप देख रहे हैं दो तरीके की पत्तियां आ रही हैं, एक ये ग्रीन कलर की आ रही हैं और ये वेरीगेटेड आ रही हैं, तो दोनों ही ये एक ही पौधा है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पौधा दिखाई दे रहा है। इसको आप जो है हैंगिंग बास्केट के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पौधा आप जरूर अपने गार्डन में ऐड करें, ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। अगला पौधा फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये देखिए ये मेरे गार्डन का बहुत खूबसूरत पौधा है, पेंडेंस का प्लांट है। और इनकी पत्तियां जो है कुछ कुछ ऐसे लगती हैं जैसे स्पाइडर प्लांट है या फिर इनको हमने पेंट किया हुआ है, लेकिन ये पेंट नहीं है दोस्तों। ये इनका एक नेचुरल कलर है और जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। आप इसे जो है अपने गार्डन में जरूर जगह दें, यह आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। आप इसे जो है मल्टीप्लाई करके इसके ढेरों प्लांट इसे तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे जो है छोटे छोटे बेबी रनर बनते रहते हैं, अगर आप उनको सेपरेट कर देंगे तो आप एक न्यू पौधा तैयार कर सकते हैं। ये कुछ कुछ स्पाइडर की तरह ही दिखाई देता है, आप इसे हैंगिंग बास्केट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला पौधा मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर करूंगी, यह है डेविल बेकोन का प्लांट। ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, और ये जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाने वाला पौधा है। और ये इतना खूबसूरत दिखाई देता है दोस्तों, अभी जैसे विंटर आ रहा है तो विंटर में ये डोरमेंसी में होता है। देखिए इनकी पत्तियां जो है आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ कुछ पिंक होती है, लेकिन ये गर्मियां जैसे ही आती है तो इसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी आ जाती है। और ये पौधा जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। और आप इसे जो है अगर अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। मैंने देखिए इसको बॉटल में भी ग्रो किया हुआ है, मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग से मैंने जो है इसको बॉटल में लगाया हुआ है, 2 लीटर की बॉटल है, और 2 लीटर की ये बॉटल में ये प्लांट मेरा बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है, ये देखिए। तो ये प्लांट आप बिल्कुल ना छोड़ें, इस प्लांट को आप जरूर ऐड करें। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये पौधा आप जरूर लगाएं। अगला पौधा मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर कर रही हूँ, ये है नाग चंपा का प्लांट। मैं अपनी हर वीडियो में ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स जो मेरे गार्डन से कभी नहीं गया, बल्कि इसको मैंने दूसरों को दिया है, दूसरों को बांटा भी है, क्योंकि ये कटिंग से इतनी आसानी से तैयार होने वाला पौधा है। ये मैंने देखिए कटिंग से ही 2 लीटर की बॉटल में लगाया हुआ है। मैं अभी आपसे मदर प्लांट भी इसका शेयर करूंगी। इनके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, गुच्छों में इनमें फ्लावर आते हैं दोस्तों। अगर ये आप लगा लेते हैं तो देखिएगा ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, और आप इससे ढेरों प्लांट इसके तैयार कर लेंगे। ये 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ पौधा देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर और कितनी खूबसूरत के साथ चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये प्लांट आप जरूर अपने गार्डन में लगाएंगे। वो देखिए वो है मेरा मदर प्लांट, जैसा आप देख रहे हैं उनकी फ्लावरिंग कितनी खूबसूरत हो रही है। तो ये मेरा मदर प्लांट है। एक ये वैरायटी मेरे पास है फ्रेंड्स, ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है, परमानेंट प्लांट है, ग्रीनरी ऐड करने वाला प्लांट है। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, मदर प्लांट उसका मेरे पास वहाँ पे रखा हुआ है, और ये मेरा कटिंग का पौधा है। देखिए कटिंग से भी कितनी आसानी से ये पौधा लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे प्लांट हमारे पास जरूर होने चाहिए जो कि बहुत ही जिनकी देखभाल हमें कम करनी पड़े, बहुत ही अड़ियल पौधे हों, जिन्हें बस कि हमें तो बस गार्डन में ग्रो होना है और गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाना है, ग्रीनरी को ऐड करना है। तो ये जो पौधे हैं ये सभी ऐसे ही पौधे हैं जो कि बस ग्रीनरी ऐड करते हैं और कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं, और हम इनसे एक अपना सुंदर सा छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। ये देखिए ये भी मैंने पेंट के डिब्बे में जो है 3 से 4 पौधे इसमें लगा दिए हैं। एक रियू का प्लांट है, ये डेविल बेकोन है, ये डेविल बेकोन। तो मुझे इस तरीके से जो है 3-4 पौधे एक उसमें लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये भी मैंने इसमें लगाया हुआ है। अगला पौधा मैं आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स, ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसे आप जो है कटिंग से ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। इनमें जो है छोटे छोटे बेबी रनर बनते रहते हैं, देखिए मेरे बहुत सारे प्लांट हैं बेबी रनर बनते रहते हैं, उन्हें आप सेपरेट करके जो है न्यू प्लांट इसका तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसे किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं। ये बहुत ही ग्रीनरी ऐड करने वाला पौधा है, हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत ही बेस्ट प्लांट माना जाता है। अगला पौधा फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम भी ग्रीन ग्रीन पत्ती वाला प्लांट है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, और ये एक मैंने वेस्ट डिब्बे में इसको लगाया हुआ है दोस्तों। देखिए वेस्ट डिब्बे में भी कितना खूबसूरती से ये प्लांट जो है चल रहा है, इसे आप जो है इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगह पर बहुत ही अच्छे से चलने वाला प्लांट है। तो ये प्लांट भी आप नर्सरी से ले सकते हैं या कहीं से भी आपको इसकी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो आप इसको लगा लीजिए। आप इसे सेपरेट करेंगे, यहाँ से कटिंग आप लेंगे और इसे मिट्टी में दबा देंगे तो आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने कुछ आपसे ऐसे पौधे शेयर किए हैं जिन्हें लगाना बहुत ही आसान है, और अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इन पौधों से जरूर शुरुआत करिए। और एक पौधा मैं आपसे और शेयर करूंगी फ्रेंड्स, ये है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा ही प्यूरीफाई प्लांट है जिसे आप जो है इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ये पौधा बहुत ही इजीली लग जाता है, आप इसे एक बार अपने गार्डन में बस जगह दे दीजिए, उसके बाद ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। कटिंग से आप इसे ढेरों प्लांट इसकी तैयार कर सकते हैं। प्लांट पानी में भी ग्रो हो जाने वाला प्लांट है, आप इसे सेपरेट करके भी न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड, थैंक यू।